फेवरेट पीपल इन इंडस्ट्री भी है क्या है खाने में यार? एक तो ये लोबिया चिकन मेरा सबसे ज्यादा खर्चे जो है ना अपने कपड़ों पर करते हैं माइंड डायरेक्टर साहब का बस काम है कि राणा आते हैं और बस चढ़ाइयां कर देते हैं सब पे। कच्चा हमेशा जब भी शूट होती है तो एक रात पहले कोशिश होती है कि सामान जो है निकाल के बाहर रख दिया जाए जिसकी शूट वाले दिन ज़रूरत होती है। तो कुछ ऑप्शंस मैंने निकाल के रख दी थी और मुझे जो डायरेक्टर है राणा रिजवान उसने कह भी दिया था कि भाई बहुत कयामत की गर्मी है तो एक तो डार्क कलर पहनना क्योंकि पसीना आता है तो वो फिर आपको स्क्रीन पर नज़र आता है वो बहुत बड़ा मसला हो जाता है। और फिर हमेशा सबसे पहली चीज़ जो मेक श्योर की जाती है वो ये होती है कि कपड़े सी थ्रू ना हों क्योंकि इतनी लाइट्स होती हैं कि आपके कपड़े बज़ाहिर अगर सी थ्रू नहीं भी होंगे ना तो जब लाइट पड़ती है तो वो सी थ्रू। सारे ज़माने की दुख तकलीफें परेशानियां आपको उसी वक्त होंगी जब आपको शूट पे जाना होगा। 12:30 बज चुके हैं गाड़ी में बैठ के जो है वो एसी ने काम करना छोड़ दिया जबकि सारी सर्विस कराई हुई थी आई थिंक गैस ख़त्म हो गई है। दूसरी बात यह है कि मैं अपने काम करना छोड़ दिया इंटरनेट को कोई मसला हो गया। शुक्र है मेरे पास दूसरा डिवाइस था वो मैंने खोला जब वो खोला तो मैप ने चलना मैप ही नहीं चल रहा था एड्रेस ही नहीं सही बता रहा था और बुलबुले की लोकेशन एक बार फिर चेंज हो चुकी है और वहाँ से इमरान कॉल कर रहा है और मुझे हॉल उठ रहे हैं। मैंने कहा यार मैं लेट हो गई और मैंने मेकअप तक नहीं किया हुआ है बाल भी मेरे गीले हैं। उससे अरसे के बाद मैं बुलबुले करवा रही हूँ क्योंकि कई दफ़ा बेचारे बीच में बुलाते रहे और मेरा मूड नहीं हो रहा था करवाने का तो मैंने मना कर दिया। अब की बार सड़ी गर्मी थी लेकिन मैंने कहा यार चलो करवा लेती हूँ और मैं मिस भी कर रही थी इन लोगों को मेरी दोस्ती भी इन लोगों से बहुत ज़्यादा है। सो अब मैं सिग्नल पर हूँ बस पहुँचने वाली हूँ। क्या हाल है? वालेकुम सलाम बहादुर। आती ये घर जो है ना जिंदगी के पहला भी मैंने ड्रामा यही किया था इससे गर्म घर नहीं मिला था। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। टगा नहीं देना तुम लोगों को जाओ यहाँ से मैं किराएदार ढूंढ ही रही हूँ जैसे ही कोई मिल जाएगा तुम लोग का सामान चुप के बाहर से ढूंढ। जो जी बाजी रहे भाई चल है चल दफा हो जाए यहाँ से। कोई नहीं पता ऊपर जाकर इसे ये वो डीवर डीवर। ये हमारा रूम है जहाँ पे हम सब बैठते हैं और ये इस वक्त चेंज है और अभी मैं अपना मास्टर शॉट देकर आई हूँ और अभी इन लोगों का सीट चल रहा है। और ये आ रहा है लाइट थोड़ी कम है। ये मेरा गेटअप है और पहले हमने कुछ और डिसाइड किया था लेकिन मैंने जैसे आप कहा था ना कि ऑप्शंस होनी चाहिए हमेशा कपड़ों की क्योंकि बहुत सारे मसले हो जाते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे। तो ये कुर्ता मैंने लाइम लाइट से ये शर्ट पीस मंगवाया था। बाल मेरे इस तरह से रखे हैं जबकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। नबील कह रहा था कि भाई बाल बांध लो। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि नहीं बाल नहीं बांधेंगे हम। तो उसने मेरे बाल थोड़े से ना वेवी से कर दिए हैं और कयामत की गर्मी है तो बस सीन हो रहा है बाहर। और उसके बाद आई थिंक लंच ब्रेक होगी। मेकअप मेरा फ्रेश हो चुका है थोड़ा सा और मैं ठीक करूँगी। सोच रही हूँ काजल लगा लूँ फॉर अ चेंज। तो करेक्टर इस तरह का है कि इसमें मेरे पास मार्जिन है मेकअप करने का। वैसे नबील को बिल्कुल नहीं पसंद ज़्यादा मेकअप पर जितना कम मेकअप होता है आप उतने अच्छे स्क्रीन पर आते हैं। इफेक्ट है जी और वॉक करके मेरी प्लेसिंग क्या था? अच्छा सर मुझे वॉक तो करके दिखाए ना कि आप मॉडलिंग कैसे करेंगे। कमरे की लाइट जो है ना इस वक्त कम है और बड़ी पुरसकून लाइट है और एसी जो है वो चल रहा है। कमरा बिल्कुल चिल्ड हुआ हुआ है और मुझे आ रही है नींद।
और दो तीन सीन्स हो चुके हैं और अभी जो है ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं, तो 3 बजे लंच ब्रेक होती है। शोबिज़ में बहुत इज्जत है। ये जो खातून है शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल इन इंडस्ट्री, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। बाकी एज़ आई टोल्ड यू गाइस के 95% लोग इस काबिल नहीं है कि उनकी इज्जत की जाए, तो ये 5% लोगों में से हैं। वेलकम। और ये लग रहा है खाना कमरे के अंदर। ये हमारा है मेकअप आर्टिस्ट। और ये अशरफ खान साहब भी फ़ोन पे लगे हुए हैं। हिना भी फ़ोन पे लगी हुई है। सारी दुनिया फ़ोन पे लगी हुई है। क्या है खाने में यार? एक तो ये लोबिया चिकन, वो है कीमा। मेरा गैस बिल्कुल गलत रहा। और गोभी यमी इसके अंदर। अच्छा रोटियां। मुस्तकीम साहब आगे बढ़े। हम मजून, ये उन्होंने खींचा आपने, मतलब मुस्तकीम हमारी जोजा जोजी बेगम है। हेलो जोजी जी। और ये लोग इनका इंट्रोडक्शन। हेलो जोजी जी। और इन लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं जी, दोबारा ले लो करें। हेलो जोजी जी। हेलो जोजी जी। और ये लोग कौन है, इनका इंट्रोडक्शन तो आपने करवाया ही नहीं। जोजी ने कहा इनका क्या इंट्रोडक्शन, ये तो नौकर है घर के हमारे। ये बावर्चन है खातून, महमूद साहब जो सफाई के लिए, और ये हमारा ड्राइवर है नबी। नबील मैंने कहा ड्राइवर नहीं जी, मैनेजर। मैनेजर मोमो ने कहा मुबारक पुत्र तेरा इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया। मुस्तकीम साहब आए ना ले ले जी, हम आपको घर दिखाते हैं। ये बढ़ने लगे, आपने खींचा उनको। महमूद साहब ने कहा अरे साहब हम नौकर होते हुए आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, हम दिखा देते ना। आइए मैडम। जोजी ने ठीक कह रही, ठीक कह रहे हो तुम। और मुमताज तुम फौरन किचन में जाओ। ये हो गया। इतने भी बुलबुले के लोग हैं ना, सबसे मिलवाऊंगी जिनके साथ मैं सालों से काम कर रही हूँ, ओवर डेकेड। सबसे पहले ये अपना करवाएं। अच्छा चलो नबील आ गए बाद में। नबील जो है ना सबसे ज्यादा खर्चे जो है ना अपने कपड़ों पर करते हैं। नबील के कपड़े एक्सेसरीज यू नो देखने वाली होती हैं। और कुर्ते जो है वो महमूद साहब के जी। माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं है, हो ही नहीं सकते। बेस्ट कलेक्शन। और जितने अच्छे कलर्स जो है ना महमूद साहब कैरी करते हैं ना, हाय 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 हाय। रही है लंबे लंबे बालों वाली। मैंने से कहा यार बाल एक्सचेंज कर ले। तुम्हारे बाल ढाया करती हूँ किसी दिन रंग बिरंगे, है ना? तुम मेरे करो, मैं तुम्हारे। ये उबैद, उबैद ने अपनी सारी जिंदगी बुलबुले को दे दी। उबैद ये बहुत एक वाइटल जिसे कहते हैं ना पार्ट है बुलबुले का जी। हाँ इस दरवाजे पे मैंने ये वाले कोई 1800 सीन कराए हुए। सीन होने लगा है एंट्री का सीन। एक सेकेंड। आए हाय आए हाय। विल पावर मेरे बड़े भाई को ब्लड टेस्ट। चीयर्स। वो आज 4 साल हो गए। ये इमरान है। इमरान जो है वो एक इंतहाई तारीफ रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं तारीफ, ताकि ये ज़िंदगी भर रहे रिकॉर्ड में कि मैं इसकी क्यों इज्जत करती हूँ, क्योंकि ये इंतहाई थॉरो प्रोफेशनल है। ठीक है, वैसे तो नबील के साथ नॉन प्रोफेशनल बंदा चल ही नहीं सकता, लेकिन माय डायरेक्टर साहब का बस काम है कि राना आते हैं और बस चढ़ाइयाँ कर देते हैं सब पे, और सुतेले बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं सबको। हाँ, और ये मैं बता दूँ कि ये सर्जरी नहीं हुई भी कि पता चले आप बोले कि राना अपनी नाक बनवा रहे हैं, क्योंकि राना की नाक ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। मैं हाँ मैं इस बात की गवाही। डायरेक्टर के लिए लाइट भी घुमा दी। राना की नाक ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। राना अपनी खूबसूरत नाक को बदसूरत होने से बचा रहे कि रैशेस पड़ जाते हैं उनको जो है ग्लासेस से। और ये उबैद
इन्होंने पूरी जिंदगी बुलबुले करवाया है बचपन से। अब ये जवान हुआ है, बचपन में बुलबुले कराना शुरू किया था माशाल्लाह से, अब बड़ा हो गया ये। और पूरा बुलबुले इसने पूरी जिंदगी मतलब पूरा मतलब जवानी जो है बचपन से जवानी इसने चड्डों में गुजारी है। और ही सच अ गुड डीओपी माशाल्लाह, और विच इज़ यू नो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। और नबील जब भी आज तक नबील ने भी अपनी जिंदगी का इतना ज्यादा हिस्सा के साथ गुजार दिया क्योंकि ही इज वेरी प्रोफेशनल एंड दिस गाय भाई वो जो है ना वो खुद से जो है ना वो चेंज नहीं मारते। हाँ चेंज करना चाहे तो सही बात है। नबील जो है जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ हमेशा काम करते हैं, बेवफाई नहीं करते। और ये लगा हुआ है काम धंधे पे, ये खूबसूरत दिखाता है इसका काम है कि बस सब खूबसूरत नजर आए। और इसके साथ बना के रखना बहुत ज़रूरी है वरना ये आपको बदसूरत भी दिखा सकता है। ये तो इस घर से मतलब 12 साल हो गए हैं मुझे इस घर में आते आते, और इस घर के जो ओनर हैं उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। वो बेनज़ीर की मेकअप आर्टिस्ट हुआ करती थी किसी टाइम पे। कहाँ से घुसूँ इन लोगों की तफरिया। अच्छा मैं तो समझी थी दोपहर हो रही है। भाई अच्छी अच्छी लाइट में शूट करा लो। उफ ऊपर तो तपरा होगा, तपरा होगा ऊपर तपरा। पहले से करवा के ठंडा कर दो। और वो चीकू है वो पीछे कच्चा है, ये बच्चा होता अगर कच्चा ना होता तो। अभी मैं आके बैठी हूँ अंदर, बाहर वाले सीन करवा के जो लॉन में थे, और लिटरली और मेरा पूरा कुर्ता इस वक्त भीगा हुआ है। जब भी जो है ना आपको जब शूट हो रही होती है तो बड़ा मोहतात रहना पड़ता है कि आप इस तरह के प्रिंट्स पहने, इस तरह के फैब्रिक्स पहने और कलर्स पहने, जो पसीना जब आता है क्योंकि कराची में तो सर्दियों में भी गर्मी होती है, मतलब सर्दियां ना होने के बराबर होती हैं, सर्दियों में भी गर्मी होती है। और दूसरा ये होता है कि जब इतनी लाइट्स होती हैं और ऑडियो की वजह से सारी खिड़कियाँ दरवाज़े बंद होते हैं, एसी नहीं चल रहा होता, पंखे नहीं चल रहे होते, तो भले सर्दी भी हो ना तो गर्मी वाला मौसम बना हुआ होता है। और गर्मियों में तो आप ना ही पूछें, गर्मियों में तो आप समझे 50 अबव होता है यू नो टेम्परेचर, बल्कि सर्दियों में भी यही हाल होता है कराची में जब शूट्स हो रही होती हैं। तो बस मैं भी अंदर आके बैठी हूँ। अब जो है जो ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ पर सीन्स रिकॉर्ड होंगे, और जब सीन्स होने वाले होते हैं तो उससे पहले हमेशा जो है सब बैठते हैं और रीडिंग करते हैं, और मतलब जो सारे कंबाइन जो सीन्स होते हैं सबके, तकरीबन सब सीन्स कंबाइन ही होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे सीन्स जिसमें सब नहीं होते। तो हमेशा से ये है कि नबील सबसे रीडिंग करवाते हैं एक दफ़ा, और फिर उसके बाद जो है वो सीन्स होते हैं। और जो हमारे डायरेक्टर है राना रिजवान, ही इज़ रियली गुड। उसका ये है कि कभी भी ना आर्टिस्ट को बर्डन नहीं किया, मतलब हमेशा तरीके से पता है कि जी कहाँ से डायलॉग बोलना है, कितना बोलना है। ये नहीं जैसे कुछ डायरेक्टर्स होते हैं कि पूरा पूरा पेज, दो दो पेजेस जो है ना वो आर्टिस्ट से बुलवा देते हैं अपना काम आसान करने के लिए कि जी एडिट की तरफ मसला ना हो। जो अच्छा डायरेक्टर होता है ना उसको पता होता है कि उसको कितना चाहिए, मतलब स्क्रिप्ट में से कितने जुमले चाहिए, कितना लगेगा, और कौन सा वाला पार्ट है जिसके क्लोज शॉट्स होंगे, कौन सा वाला पार्ट है जिसके मास्टर शॉट्स होंगे, तो वो उतना उतना ही करवाएं। और कुछ डायरेक्टर्स जो है ना वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी मास्टर शॉट्स भी पूरे पूरे करा लो और पूरा पूरा स्क्रिप्ट जो है ना वन गो में करवा लो, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सीरियल्स में ख़ास तौर पर इस तरह से होता है, और बल्कि सिटकॉम्स क्योंकि मैंने बहुत सारे किए हैं तो सिटकॉम्स में भी कोई बड़े जाहिल डायरेक्टर्स जो हैं उनसे मेरा पाला पड़ा। अल्लाह का शुक्र है मुझे कभी मसला नहीं हुआ, आई थिंक मैं वन को आर्टिस्ट हूँ, लेकिन साथ वाले जो हैं वो फिर रुला देते हैं, खून थकवा देते हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो रीटेक्स करते हैं कुछ लोग। और जो स्पेशली जो है गेस्ट अपेरेंस के लिए मेरे जो सिटकॉम्स थे उसमें आते थे लोग, और मेरे साथ कुछ थी ऐसी आर्टिस्ट तोबा, एक मॉडल थी, मॉडल्स ही थी दोनों बल्कि, तो वो तो खून थकवा देती थी। तो इनका स्टाइल बहुत अच्छा है और प्रोफेशनली काम करते हैं। और आते ही जो है वो शिकवा किया नबील ने कि तुम जो है यू नो लास्ट टू टाइम्स जो है उसने कॉल की असिस्टेंट डायरेक्टर ने, और दोनों दफ़ा मैंने मना कर दिया, आई वाज नॉट फीलिंग वेल।
मतलब पता नहीं मैं मूड में नहीं थी या क्या था, तो मूड में नहीं थी क्योंकि मैं बहुत मूडी हूँ तो, लेकिन मैं आज आई, मुझे अच्छा लगा। इतना पुराना 11-12 साल हो गए हैं लोगों के साथ, तो एक बॉन्ड सा हो जाता है नो। तो बस इन लोगों के साथ मेरा बॉन्ड है एंड आई रियली रिस्पेक्ट देम और मज़ा आता है मिलके। अब मेरे ख्याल से सीन्स जो हैं वो दोबारा रीडिंग के लिए बुलाएंगे और इस वक्त जो है 6:30 तो उसके बाद रिफ्रेशमेंट का टाइम होगा, फिर देखते हैं क्या होगा। सर्दी लग रही है। पूरे एक दर्जन अंडे चोरी हुए हैं। हाँ मुस्तकीम में मैं जा रही हूँ ऊपर सीन कराने के लिए। ओ माँ जी अभी भी तो 3 अंडों का लास्ट तक चले बिस्मिल्लाह। कोई प्रॉब्लम है अभी आपकी लाइन पे देखो कोई याद नहीं इस लगा ऊपर लाइन से बोल मोड नहीं लगा करो भाई नाना मसला नहीं क्या होगा अभी लाया करो बेटा लाया करो का नाश्ता किया ना ऊपर का अलग कर देगा आगे भी यार है बैठी है चोरनी चल मुस्तकीम पुलिस ने बुला आपको अरे तो भी आराम से ये देखिए सर मजे कर रहा है झूले ले रहा है झूले। तो ऊपर इस वक्त शूट हो रहा है और फिर एक हसीन आदमी आ गया फ्रेम में। अच्छा महमूद साहब जब आप आए गए तो एक बात तो बताएं, बल्कि ऐसे ही बताएं, 12 साल से मैं बुलबुल लेकर आ रही हूँ ठीक है, और हमारा प्यार भी बहुत है ठीक है फैमिली की तरह, और आप कुछ मेरे बारे में कह दें आज कुछ बता दें आवाम को कि आपको आप क्या समझते हैं मेरे बारे में, क्या फीलिंग्स रखते हैं मेरे बारे में। सोनिया जी जो है ये बहुत माशाल्लाह दिल की बहुत अच्छी हैं और बहुत लाइवली हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। हमें फील ही नहीं होता कि हम किसी आर्टिस्ट के साथ या किसी गैर के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी फैमिली का हिस्सा है और वाकई इतने साल से हैं, और मेरी सोनिया जी के लिए ढेर सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला इन्हें हमेशा इसी तरह हंसता खेलता खुश रखे। थैंक यू सो मच। और जाते जाते यार ये ज़रूर बोल दें कि जो मेरा चैनल है सोनिया राव व्लॉग्स उसको ज़रूर सब जो है सब्सक्राइब कर लें। भाई सोनिया जी का जो चैनल है ना उसको प्लीज आप लोगों ने अभी बताया कि क्या नाम है उसका। सोनिया राव व्लॉग्स व्लॉग इसको आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर जरूर जाना है जी, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये प्लीज सब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।